हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दिनेश पवार पर। तो फैमिली, घर का तो सारा काम हो गया है, पर कल पानी लखानी जी ने भर के रखा था, उसी से हम नहाए हैं। और शाम को भी पीने के लिए वहाँ से लाए थे पानी, तो नहा भी लिए हैं। अभी दिनेश जी भी नहा लिया है और अगरबत्ती वगैरह ऐसा लगा रहा है वो भी। अभी खाना पीना करेंगे फैमिली। और कुछ नहीं, आज तो हम बहुत थक गए हैं, हम चारा लेने के लिए जाएंगे। कल शाम को हम चरा कर आए थे तो हाथ पैर ऐसा बहुत दुख रहा था, क्योंकि पूरा दिन खड़े रहकर चराना पड़ता है, इसलिए आंग बहुत दुखता है। फिर तो हम उधर से आए, फिर घर का जो बासन बर्तन झाड़ू बीड़ू करके हम सो गए थे, तो अंधेरा पड़ गया था। तब उठे थे और खाना बनाया था, तो ऐसा 9 बज गया था खाना बनाने के लिए। तो फैमिली, कंगो आ हीरो, बहुत ऐसा होता है। और जो थोड़ा थोड़ा खेत वाले हैं, मतलब पानी वाले, तो वहीं पर थोड़ा थोड़ा हरा रहता है, तो खड़े रह कर चराना पड़ता है ना, तो वो लोग चराने भी नहीं देते हैं। और कल तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, पर जाने थे, क्योंकि भेड़ बकरिया वाले वैसे ही समझते हैं, किसी की भी खेत वालों की बोली, अपन भेड़ बकरियाँ पालते नहीं तो कोई बोलता भी नहीं, ऐसी बात है फ्रेंड। तो फैमिली, चारा लेने का आज मन हो रहा है, घर पर ही चारा लाएंगे और चराएंगे, तो थोड़ा आराम भी मिलेगा। और घर का जो काम रहता है, बारीक बुरीक, घर लिपना, पानी भरना, पानी का भी बहुत दिक्कत होता है, और मेरे गोदड़ी बिदड़ी ये सब है, तो वो बहुत दिन हो गए हैं धोने के लिए। और तारनी, वो जो हम होड़ते हैं, पाथरते हैं, उस पर सुसु कर देते, तो वो बांस में मारने लगे सुसु के, तो नल भी नहीं आता है, हम तो राह देख रहे हैं। और अभी क्या करेंगे, हम तो बोल रहे हैं मेरे साथ 2-3 जन चलो, अपन आगे जाकर बोलेंगे, तो कोई आता भी नहीं है, मेरी अकेली की बात कौन सुनेगा, ये बात है। ये देखे बकरिया तो बैठी हुई है आराम से, अभी लकड़ियाँ ले लेते हैं फ्रेंड खाना बनाने के लिए। दिनेश जी भी देव को अगरबत्ती लगा रहे हैं। लकड़ी विकड़ी तोड़ लेते हैं। तो फैमिली, आटा बिटा गून लिया है, देखे कंट्रोल का लिया था उस दिन, तो हमने पिसवाया, कल लखानी जी ने पिसवा कर रखा था, 2-3 दिन का आटा नहीं था, तो उसने पिसवा कर रखा था। फिर पानी भी नहीं, इधर तो नहीं भरा था, इधर भी भरने लगी थी बोले, पर उसका पानी, उसकी दीदी का पानी, ऐसा भरते भरते 4 बज गए थे बोले, तो इसलिए यहाँ पर भरने ही लगे थे बोले, पर लाइट चला गया था बोले, 2-3 डेगड़ा भरा हुआ था, फिर वो बर्तन भरे हो गए, तो दूर से पानी लाना, 2-2 हंडे
बहुत बोल रही थी कि बहुत आज मैं थक गई हूँ, ऐसा बोल रही थी वो। तुम्हारा ही भरने लगी थी बोले, पर लाइट चली गई थी, मैं भर के रखूँगी बोले, पर वो जो कृष्णा के घर पर डेग है वो ला देना बोले, मैं भर के इधर ही रखूँगी बोले, ऐसा बोल रही थी। तो थोड़ा मुझे भी ऐसा पानी का थोड़ा आराम मिलेगा ऐसा होगा तो। और दिनेश जी भी कहीं पर चला गया है, तो आधी एक तास में आ जाएंगे, तो चारा लेने के लिए जाएंगे फ्रेंड। नहीं नहीं आए तो बकरियाँ छोड़कर जाना पड़ेगा, और बकरियों को तो जंगल में भी चराने के लिए कुछ नहीं रहा है, और बहुत थक भी जाती हूँ, इसलिए क्या होता है आएंगे तो चारा लेने के लिए जाएंगे, वरना हम बकरियाँ छोड़कर जाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, कोई बात नहीं। रोटी बीटी बना लेते हैं, और वो डेग लाना पड़ेगा, उधर भर के रखेगी पानी, मैं बोल दूंगी कि ये पीने का भी पानी भर के रख देना, भर के रख देगी। अच्छे से चल रहा है, पर दिनेश जी से भी वो भी बोलते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, पर अभी उधर जाने का तो नहीं हुआ है, पर जाना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है, इधर भी रहना चाहिए उधर भी रहना चाहिए, और दिनेश जी का जो मन में बात है वो भी होना चाहिए, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखते हैं आगे क्या क्या होता है फ्रेंड, आप दोस्तों को बताते रहेंगे दिखाते रहेंगे, और कमेंट में ये भी बात आगे सुनी थी, अभी नहीं, अभी 1-1.5 महीना हो गया है, वो जो हम बम्बई के लिए गए थे तो उसके आगे बात सुनी थी कि तुम इकट्ठा रहते होगे और बोलते हो वीडियो में कि ऐसा रहते, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, हम अलग अलग ही रह रहे थे, पर बम्बई को गए तो उधर से आए तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा दीदी के, दोनों दीदी के आशीर्वाद से, फिर आप फैमिली के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, देखेंगे अभी क्या होता है क्या नहीं। जो हमारे पा हमारा जो पूरे दिन में क्या होती है, सुबह सुबह से क्या होती है और शाम तक क्या होती है, वही बात हम बताते रहते हैं फैमिली, हम दोस्तों से, और हम तो कहीं पर भी नहीं जाते हैं, तो हम ये हमारी बात शेयर करें, फिर ऐसा हुआ ऐसा, वो तो हमें तो आता भी नहीं है बैठने उठने का। हाँ, मेरी दीदी के पास जाती हूँ, और मम्मी के भी घर जाना छोड़ दिया है दिवाली से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसा। वो शतरानी भी आ रही, आ गई है फैमिली, जो जाना देख तो घर में, तो साइकिल साइकिल पछियो हाथ से, तो रोटी बीटी करके मिलते हैं फैमिली, और सब्जी आज क्या होगा क्या नहीं तो अभी तक सोचा नहीं है, क्योंकि तुअर की दाल और मटर की दाल और दाल है मसूर की, पर अच्छी नहीं लगती है फैमिली, कितना भी अच्छा बनाओ पर नहीं लगता है, वो शिशारी बोलते हैं वो बैठ गई है वो दाल खाकर, तारिणी को, शतरानी को, नीलकंठ को ऐसा मिलती थी तो वो दाल खाते थे हम, वो दाल खाते थे, पर अभी तो उस दिन की थी तो किसी ने नहीं खाया था, वो दाल पूरे दिन पड़ी रही थी बोले, मैं तो बकरियाँ छोड़कर चली गई थी, पर क्या तुअर की दाल होगी कि मटर की दाल होगी, वो आइडिया अभी तक नहीं हुआ है, पर मुझे रोटी बना लेने दो फिर करेगी। रोटी बन गई है फैमिली, अभी मटर की दाल बना लेते हैं, जल्दी से हो जाती है, मटर की दाल हो जाएगी, और बकरियाँ भी, अभी तक तो दिनेश जी नहीं आए हैं, पर
बकरिया छोड़ना ही पड़ेगा आज, और मोबाइल साथ में ले जाओगी तो रील भी बनाने का बहुत अच्छा रहता है, साथ में बनाए ले आया तो। और खाली टमाटर है, कोथमीर नहीं है। मम्मी ने भेजे होंगे टमाटर, उसके खेत में टमाटर है तो बेचने के लिए लाते हैं टमाटर। दाल बना लेते हैं फैमिली, अभी दाल भी बना लिए हैं, रोटी भी बन गई है, देखते हैं अभी क्या आगे होता है क्या नहीं फैमिली। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और हमारे साथ में बने रहिएगा, और हो सके तो नए दोस्त लाइक कमेंट शेयर करिएगा। अभी क्या चारा लेने के लिए जाते हैं कि बकरियाँ छोड़ना पड़ेगा, वो बात तो मुझे पता नहीं, पर मेरी इच्छा है चारा ले लेकर लाए बकरिया को, इधर ही खिलाए, ऐसी इच्छा है। पर अभी तो मेरा, मैं ऐसा बोल रही हूँ, इन्हें से थोड़ा बोल रही है, इसीलिए देखते हैं और मिलते हैं आगे, और बताते हैं हम अगले वीडियो में, और हमारे साथ में बने रहिएगा, और हमें सपोर्ट करते रहना फ्रेंड, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश।